आदरणीय दीदी, कुल सचिव जी, डीन प्रोफेसर कटियार साहब, स्वामी परमार देव जी, प्रोफेसर प्राण गौड़ा जी और इस रिफ्रेशर कोर्स के 8वें दिन हमारे उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, सन्यासी आचार्यगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, दो टॉपिक मुझे दिया गया है, दो दिन, एक आज दिया गया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई अलग नहीं है, वो टॉपिक थोड़ा सा कुछ लिखने में हो गया होगा, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी तो एक ही होती है, कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अलग से नहीं है। और 29th को भी है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन योगा, सब्जेक्ट वाइज भी रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं होता, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ही होता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी चूँकि आज आपने सुबह रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एक बहुत अच्छा लेक्चर आप लोगों ने सुना जो है डॉक्टर अनुराग जी का, तो मैं आज चाहता हूं कि मैं आप लोगों से जनरल बातें कुछ करूं, कुछ तो अपने बारे में ही बताऊं, कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताऊं, फिर भी समय कुछ बचता है तो मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये बहुत है, बड़ा है, कम से कम हमको जो है 2 घंटे इसमें लगेंगे, तो आज शुरुआत हो जाएगा तो मैं अगले 29th को समाप्त कर दूँगा। तो जनरल बातें मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो अभी शिक्षा है ग्रहण कर रहे हैं या हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, हमारे शिक्षक ही हैं, रिफ्रेशर कोर्स का तो मतलब सब लोग समझ ही रहे होंगे, रिफ्रेशर कोर्स का क्या मतलब है। जैसे कंप्यूटर में रिफ्रेश होता है, उसका नाम तो सुने हैं आप लोगों ने, रिफ्रेश करना, माइंड को जो रिफ्रेश करना जिस तरह करते हैं आप, अब पढ़ते पढ़ते अगर आप थक जाते हैं तो आप थोड़े देर के लिए आप चाय बना लेते हैं या थोड़ा टहल लेते हैं, फिर आते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है, जब कंप्यूटर में बहुत चीज़ें भर जाती हैं तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो लोग लगते हैं उसको रिफ्रेश करने। उसी तरह से रिफ्रेशर कोर्स दो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जब हम यूनिवर्सिटी में या कहीं पर क्लास में हम अपने एक कोर्स सिलेबस को लेकर के अगर हम पढ़ाते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है देश विदेश में होती रहती है जिसको कि हम नहीं जान पाते हैं, हमारे सब्जेक्ट में, हमारे विषय में एडवांसमेंट क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हमारे आगे बढ़ रही हैं, उसकी चीज़ें जानकारी नहीं होती। तो रिफ्रेशर कोर्स में यही होता है कि हमारे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, योगा साइंस में तो खैर यहाँ पूरा जो यहाँ है वो जो कहीं पर नहीं है, लेकिन अन्य हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि हमारे पास जो है आपका जो है साइकोलॉजी है, हमारे पास इंग्लिश है, या अन्य जो सब्जेक्ट है जो है आपका टूरिज्म है, म्यूजिक है, अन्य देशों में क्या हो रहा है, किस तरह से इसके एडवांसमेंट हो रहे हैं। जब हमारे पार्टिसिपेंट आते हैं, हमारे जो है रिसोर्स पर्सन आते हैं, तो ये सोच कर आते हैं कि उनको उस सब्जेक्ट में कुछ एडवांस चीज़ों को जो है अपना बताएंगे। तो रिफ्रेशर कोर्स इसी की बातें हो रही, आज 8वां दिन है, मैं आज 8वें दिन मुझे भी मौका मिला है, तो मैं ऑर्गेनाइजर्स जो हैं रिफ्रेशर कोर्स को, मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे भी कुछ कहने का चांस उन्होंने मौका दिया है। मैं अपने बारे में, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िला, आप लोग जानते होंगे, जो बनारस से सटा हुआ ज़िला है, गाजीपुर का रहने वाला हूँ, और मैं 4 अपने भाइयों में सबसे मैं छोटा हूँ, 2 भाइयों का देहांत हो चुका है, एक हमसे बड़े हैं वो अभी जीवित हैं, और अपने घर में पढ़ा लिखा मैं ही था केवल। हमारे जो पेरेंट्स, हमारे पिताजी का देहांत जब मैं 2 साल का था या 2.5 साल का रहे, जो भी रहे याद नहीं आता, तो मेरे पिताजी का देहांत तो 2 साल जब मैं था तभी हो गया था, और मेरी माता का देहांत जो है 1992 में हुआ। और कोई पढ़ा लिखा नहीं था जो है, लेकिन ये था कि मेरे भाई जो है, बड़े भाई, वो भी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन रेलवे में वो एक छोटा सा जो रेल लाइनों पर होता है, अब तो नहीं कभी जो देखने को मिलता जो है,
रेल लाइनें जो है कुछ लोग ठीक करते रहते हैं कि रेल में कहीं दब तक कुछ नहीं हो गया है, उनको जो है क्या बोलते हैं जो कुछ लाइन है कुछ इस तरह बोलते हैं, तो उसमें थे वो, तो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनमें जो है बड़ी जागृति थी कि मेरा छोटा भाई जो है पढ़े जो है, तो उन्होंने स्कूल में जब 4-5 साल के हुए होंगे, क्योंकि हमको डेट ऑफ बर्थ नहीं है, स्कूल का पता है वही जो स्कूल में लिखा दिया गया तो वही है, क्योंकि स्कूल में उस समय मैं देखते थे कि उसमें नाम या इस तरह कुछ नहीं होता, 3 ही उसमें कैटेगरी होती थी, जो छत्री लोग होते हैं उनको बाबू साहब बोलते थे और अदर कास्ट को जो मुंशी जी बोलते थे, पंडित जो होते थे उनको पंडित जी बोलते थे, 3 लोग होता था जो स्कूल में प्राइमरी स्कूल में, पंडित जी मुंशी जी बाबू साहब। तो उस समय जो मुंशी जी थे तो उन्होंने हमारे भाई साहब से जो मैंने सुना जो, क्योंकि उस समय हमें नहीं जानकारी है भाई कितने साल का होगा जो है डेट ऑफ बर्थ बताइए, कहें साहब जो 4-5 साल का 5 साल हुआ होगा जो है, अब हमको तो याद नहीं है, तो उन्होंने जो भी है एक आइडिया सपने जो है, उस समय नाम जो लिखा जाता था या तो जुलाई का होता था या तो जनवरी का होता था, तो एक अंजादा से जो है उन्होंने जनवरी का डेट, जनवरी 1951 55-56 में जो है हुआ होगा, तो उन्होंने जनवरी 1951 का अपना डेट ऑफ बर्थ अपना लिखा दिया उन्होंने। तो उस समय जो पढ़ाई लिखाई होती रही, उस समय भी जैसा कि कल जो प्रत कुलपत जी भी बोले, उसमें बोर्ड का एग्ज़ाम जो 5th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बोर्ड में एग्ज़ाम हुआ, फिर 8वीं क्लास में भी जो है, हालांकि उसमें दूर थे जो है, उसमें करीब 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल हुआ करता था। एनीवे मतलब कि हमारे भाई ने, उस समय हमको याद है जब मैं उसमें एक आने उस समय जो होता था पुराना पैसे वाला जो है एक आना, जो जो बाद में जब नया पैसे में कन्वर्ट हुआ तो 16 हुआ उसका, एक आने पैसे फीस हुआ करती थी उस समय, तो हमें याद है कि एक आना पैसे की भी प्रॉब्लम थी उस समय। भाई साहब जो हमारे सर्विस करते थे उनकी जो है वो सैलरी 12 रुपये या 13 रुपये कुछ ऐसा था उस समय, 1956 वगैरह में ऐसा ही कुछ रहा होगा, उसमें वो भी जो प्रॉब्लम थी जो है एक आने की, तो उस एक आने में भी करीब 1 महीना हम लेट हो चुके थे। तो मतलब कि ये मैं हमारे कहने के मतलब कि जो है ये शिक्षाप्रद चीज़ें हैं जानना चाहिए। एनीवे जब प्राइमरी पास किया, फिर जब मिडल में भी जो है इतना पैसे नहीं था कि हम लोग पढ़ें, लेकिन मैंने बताया कि मेरे बड़े भाई जो है जिनका देहांत 2014 में उनका हुआ है, उनको उनमें काफ़ी जो वो थी कि हमारे परिवार में जो कोई पढ़ा लिखा नहीं, छोटा भाई अपना पढ़े तो वो अपना कभी जो भी पैसा रहेगा हम देते जाएंगे, मिडल पास किया। हाई स्कूल में भी जो है, हाई स्कूल में करीब 6-7 किलोमीटर दूर था घर से, तो उसमें साइकिल की ज़रूरत तब पड़ी जो है, एक साइकिल घर में जो थी अपना बड़ी पुरानी थी वो यूज मैं करता था। एनीवे हाई स्कूल में जो है उस समय मेरी माँ जो है उस समय जिंदी थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनमें देखिए कितना जो है जज्बा था कि जो लड़का पढ़े जो है। उस समय घड़ी वड़ी नहीं थी, घड़ी का कोई जो है घड़ी तो मैंने जो है हमको लगता है जब इंटर पास करने के बाद जब BSc में आया तब घड़ी हमारे हमने को देखने को मिली या घड़ी में पहनना शुरू किया, और चप्पल भी लगता है कि इंटरमीडिएट में जब आया तब शायद जो मैं पहना, तो घड़ी नहीं हुआ करती थी। लेकिन हमारे जो मेरा विलेज है जो गांव है बिल्कुल सट कट के रेलवे की रेल है, गाड़ी आती जाती थी, तो मेरी माँ जो है रात में जो है वो ट्रेन को आवाज़ सुन करके कि ये ट्रेन जो है उत्तर से जो है दक्षिण गई, दक्षिण से उत्तर गई, इस समय रात के 12 बजा होगा, 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, तो यह देख करके कि इतना टाइम हो गया वो जगाया करती थी पढ़ने के लिए। और इसके बाद फिर मैं अगर 12 बजे जग गया, 1 बजे जग गया, तो फिर जो है अपना फिर अपना मैं पढ़ता रहा। यानी हम हाई स्कूल में जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो है मेरा 10वां स्थान रहा जो है पूरे जो है मैं हाई स्कूल में, और फिर इंटरमीडिएट में एडमिशन बिल्कुल सेल्फ मेड मैं कह रहा हूँ, उसमें कोई परिवार में पढ़ा लिखा नहीं है, ये जानकारी करने के लिए। तो इंटरमीडिएट के जो कॉलेज फिर दूसरा था जहाँ मैं पढ़ रहा था, केवल हाई स्कूल तक ही था जो है,
एक सैदपुर जो टाउन नेशनल इंटर कॉलेज गाजीपुर में है, वो करीब जब 12 किलोमीटर दूर था, लेकिन साइकिल वही हमारी पुरानी जो है वो चल रही थी, साइकिल का खिस्सा और आगे थोड़ा बताएंगे हम। तो उस इंटरमीडिएट में जो टाउन नेशनल में जो है मैं एडमिशन कराया, थोड़ा सा मेरे में रहा कि मैं कहीं दूर भी है कोई चीज़ लेकिन अच्छी चीज़ है तो मैं उसको पकड़ने की कोशिश में मैं करता रहा, क्योंकि उस टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में कोई अभी तक पढ़ा नहीं था। जो हमारे साथी या और जो लोग वहाँ पे हमारे गांव के अगल बगल के जो विलेज के थे लोग, वो एक दूसरा इंटर कॉलेज एक सादात करके था, वो भी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर लोग जाते थे। यानी अभी मैं सैदपुर में एडमिशन कराया, इंटरमीडिएट भी खैर अच्छा अच्छे नंबर से मैंने जो पास किया, कोई पोजीशन नहीं था यूपी में लेकिन ठीक है, अच्छा नंबर रहा जो है, करीब 75% के आसपास जो है मेरा इंटरमीडिएट में भी था। फिर अब एडमिशन हुआ कि अब कहाँ कराया जाए, फिर अब जो था कि अब डिग्री कॉलेज में पढ़ने में जो है बीए बीएससी करने में पैसा भी खर्च होगा, फिर भी मेरे भाई ने कहा कि नहीं कि तुम जो है एडमिशन कराओ, लेकिन वो करवाने फिर नहीं जाते थे, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं थी कौन कॉलेज अच्छा है, कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हमारे पास छोड़ देते थे, केवल पैसे की जिम्मा लेते थे कि हम पैसा खर्च करेंगे, आप पढ़ो। तो मैं जो है कई लोगों से पूछा, कोई कहीं बताता भाई जी गोरखपुर में उसमें था विश्वविद्यालय, वहाँ आप जाओ, जौनपुर था वहाँ भी आप जाओ, कोई कहीं बताता था। तो मैं अपने मन से जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना था जो है, मैं बनारस आया, वहाँ पे फार्म मैं लिया। तो एक मैं अनुभव अपना जो है बहुत बताता हूँ, जब मैं और वहाँ से जहाँ मेरा घर है माहपुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से करीब 6-7 स्टेशन के बाद जो है वो ये काशी का जो है जो स्टेशन है वो सब पड़ता था, उस समय मेरे पॉकेट में जो है 10 रुपये था। जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फार्म लेकर आया तो फार्म लिया, फार्म का दाम तो 8 आने या कुछ इस तरह था जो है। तो जब मैं लौटा तो चूँकि बाबा विश्वनाथ का नाम जो बहुत सुना गया था कि मैं जो बनारस आया हूँ तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हुए चलूँ, फार्म ले लिया जो है। और करीब 4 किलोमीटर होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेन गेट और एक गदौलिया जो जगह है जहाँ पर कि बाबा विश्वनाथ का जो है टेम्पल है वो करीब 4 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। उसमें 4 आने पैसे जो है, एक उस समय वो चलता था जो है रिक्शा नहीं, वो जो घोड़े वाला क्या होता है, इक्का तांगा चलता था जो है, तो तांगे पर 4 आना उसे किराया था, लेकर के बाबा विश्वनाथ दर्शन करने गए। दर्शन मैंने किया, फिर इसके बाद तो फिर वहाँ पर तो काफ़ी जो है वो लोग जो पंडा जी लोग होते हैं अपना पीछे पड़ गए। तो मैं दर्शन करके जब एक पंडा जी भी है अपना बैठ गए, फिर पूजा कराए, कहें कि बेटा जो 10 रुपया लगेगा रख दो। तो मैंने कहा कि मेरे पास है ही नहीं है, तुरंत कहा कि बेटे जो है झूठ नहीं बोला जाता मंदिर में। तो हम भी समझे कि बात तो सही कह रहे हैं, झूठ तो नहीं बोला, पैसा तो है हमारे पास जो है। तो मैं जो है अब 10 रुपया पूरा तो नहीं था, करीब जो है 8 रुपये था, तो 8 रुपया हम निकाल करके जो है दे दिए जो है। अब मेरे पास बचा था जो 1.5 रुपये। इसके बाद वहाँ से अब जो प्यास भी लगी थी, भूख भी लगा था, दोपहर का समय था, वहाँ से पैदल एक करीब 3-4 किलोमीटर पैदल गया जो है। वहाँ पे एक दुकान है जो है, जो लोग बनारस से परिचित होंगे नहीं परिचित होंगे, जो एक लहुरा भी एक जगह है जहाँ पर वहाँ पर मिठाई की दुकान थी जो है। तो मैं उस दुकान पे बैठा, तो मैंने कहा भाई एक जो मीठा दीजिए। वो मीठा आदमी दिया, बहुत बड़ा मीठा था। तो मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि मैं अपने गाँव पर कभी जो मीठा खाता हूँ तो बड़ा छोटा सब देते हैं, ये तो बहुत बड़ा दिया। फिर जब पैसा जब मांगने आया तो कहा कि कितना, तो 1 रुपया। मैंने कहा कि भाई ये तो 4 पैसा मैं जब अपने गांव की तरफ मैं जो देता था, अब 1 रुपया मैं कैसे इसको दूं, था मेरे पास। मैंने कहा कि साहब इसका नाम आइटम बम है। हमने कहा भाई ठीक है आइटम बम है, दे दिया मैंने जो है वो भी मैंने दे दिया। अब मेरे पॉकेट में 8 आना बचा है, और मेरे रेलवे स्टेशन से जहाँ पर मेरा अपना जो रेलवे स्टेशन है वहाँ का किराया जो 12 आने था, अब पैसा जो 8 आना पॉकेट में। तो वहाँ से जो है मैं बनारस शहर से जो है एक सारनाथ, सभी लोग सुने होंगे सारनाथ का नाम, तो जो है सारनाथ तक मैं जब पैदल गया मैं वहाँ पे,
वहाँ से किराया फिर आठ आने था, तो आठ आने जो है वहाँ पर टिकट लिया मैं जो है सारनाथ में टिकट लिया फिर अपने रेलवे स्टेशन। उसमें मेरे पॉकेट में जो एक पैसा जो है नहीं था जो है, तो एनीवे खैर मैं उस समय वो इंटरनल टेस्ट वगैरह नहीं होते थे, मेरिट के आधार पे एडमिशन होते थे। बीएससी में मैंने जो है एडमिशन कराया और उस समय जो साइकिल मैं वही फिर साइकिल लिया है अपना पुरानी वाली साइकिल जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जो यूज किया था, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी दो हॉस्टल अभी भी हैं जो कि शहर में हैं, उसके जिनको ए बी और के ई हॉस्टल के नाम से जानते हैं आज भी हैं वो एक जहां पर उनका हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड जो हाई स्कूल है वहां पर कमक्षा जगह अपना बोलते हैं, वो कमक्षा पे जो है उसमें जो नए जो बीएससी पार्ट टू में जो बच्चे जाते थे उनको वहाँ पर हॉस्टल मिलता था। दूर था वहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर, तो कैसे आना जाना हो, तो फिर जाकर साइकिल अपना मैं ले आया। वो साइकिल की हालत ये थी कि वो उसका पहले आजकल तो साइकिल का जो वो खड़ी करते हैं तो एक होता है ना एक तरफ कर देते हैं, उसमें जो मडगार्ड होता था जो थोड़ा पीछे पहिया उठा करके जो करते थे, याद आ रहा है ना? तो उसकी हालत ये थी कि वो जब चलती थी रास्ते में तो उसका जो है ज़मीन से खटखट खटखट करता रहता था, तो करीब जो है वो हमेशा जो करता रहा जो है, लेकिन खैर इसका कोई पर मैं अपना इसलिए कि एक पढ़ने की एक शौक हो एक ये हो तो आप जो है किसी भी परिस्थिति में आप जो है काम कर सकते हैं। यानी अभी जब बीएससी में भी मैंने उसमें सेमेस्टर सिस्टम था जो है बीएचयू में सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ था, फिर बाद में ख़त्म भी हो गया। बीएससी भी किया मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, खैर उसमें भी अच्छा नंबर था। फिर एमएससी मैंने स्टैटिस्टिक्स से मैंने जो शुरू किया उसमें भी अच्छा नंबर मिला। उस समय जो है टेम्पररी पोस्ट हुआ करती थी, अगर जो है डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली हैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बहुत पावर होता था, वो लोग केवल जो है अपना परमिशन लेते थे अगर है तो कर देते थे। हमारे समय में जो है जिस समय मैं एमएससी 1972 में मैंने पास किया और चार पोस्ट वहाँ पर जो है लेक्चरर की पोस्ट खाली रही, तो वो टेम्पररली जो है चार आदमी का हो गया, हमारा चौथे नंबर पे था, हमसे ऊपर जो तीन बच्चे थे जो नंबर अच्छा पाए थे हमसे चौथा नंबर मेरा था, तो चार पोस्ट थी चार आदमी का। तो 1972 जुलाई में रिजल्ट निकला और सितंबर 1972 में मैं टेम्पररी जो है लेक्चरर भी वहीं पे हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इसके बाद साथ में ही अपना रिसर्च भी शुरू हो गया। उस समय जो टेम्पररी जो है लेक्चरर को जो कंटिन्यूस 12 महीने सैलरी नहीं मिलती थी, तो जब तक सेशन आपका चलता था तब तक सैलरी मिलती थी, फिर समर की छुट्टी हो जाती थी, फिर जुलाई में फिर होता था, इस तरह से था उसमें। फिर जो 19 चूँकि वो टीचिंग भी मेरा चलता रहा और रिसर्च भी चलता रहा, 1977 में हमारा PhD जो है कम्प्लीट हुआ। उस समय आज भी है, पिछले जो है कुछ सालों से जो है नियम बदल गया है, नहीं तो हमारे यहाँ जो साइंस फैकल्टी में एक थेसी जो विदेश जाती थी चेक करने को, एक थेसी जो है इंडिया में और एक जो सुपरवाइजर, तीन थेसी जो चेक होती थी। एक इसके पहले एक और जो इतिहास हम बता दें, जिसमें मैं रिसर्च हमारा पॉपुलेशन पे था जो है जनसंख्या पर, जो कि एक डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी में भी जो तीन पार्ट मेनली होते हैं फर्टिलिटी मॉर्टिलिटी एंड माइग्रेशन। हमारे सुपरवाइजर जो प्रोफेसर यशवंत सिंह साहब थे जो कि उन्होंने बार्कले अमेरिका से PhD किया था, वही हम लोग सुपरवाइजर थे, वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उस समय जो है और रिटायर्ड पर्सन थे, तो उन्होंने भी जो है एक डेमोग्राफी में जो फर्टिलिटी पर उन्होंने सब पेपर कराए थे और जितने रिसर्च स्कॉलर हैं सब उसी पर किए हुए थे। उन्होंने हमें टॉपिक जो माइग्रेशन दे दिया और माइग्रेशन पे जो कोई नहीं किया था, तो हमें बड़ा जो है वो चिंता भी होती थी, मैं बड़ा दुखित भी रहता था जो एक दो महीना तक रहा कि
जिस पर कोई किसी ने काम नहीं किया वो काम हमको दे दिया, हम कैसे करें, ना इसमें कोई पेपर है ना कुछ है ना किसी के देखने का है। लाइब्रेरी में मैं जाता था उस समय कोई हम लोगों की इस तरह भी नहीं था, कोई जो नॉलेज नहीं था, तो लाइब्रेरी में जाओ वहाँ बैठो वहाँ देखो वहाँ पे जर्नल होगा ये करो वो पढ़ो सब, जो लाइब्रेरी में हम लोग जा करके अपना बैठते थे, शाम को ले आ करके वो कहते थे डेली कुछ न कुछ लिख करके लाइब्रेरी से ले आओ दिखाओ, तो वहाँ जर्नल खोजा जाता था, कुछ मिलता था तो अपना सोशल साइंस के जर्नल में सब कुछ मिलते थे। तो हम लोग शाम को ले आते थे और केवल वो एक दो पन्ना जो केवल जो पढ़ते थे इसके बाद फाड़ कर फेंक देते थे, ऐसा मतलब कि हमने नहीं देखा है किस तरह से। उस समय भी बहुत रोना आता था कि जब मैं जो है मेहनत किया जो है लाइब्रेरी में चार पांच पेज लिख कर ले आए, इन्होंने फाड़ कर फेंक दिया। तो ये कहने के मतलब कि जो सुपरवाइजर जो उस समय हम लोगों को जो मेहनत करवाए और वो मेहनत बाद में उस समय तो बहुत हम लोग सोचने में दिक्कत होती थी, उस समय तो हम लोग जो सुपरवाइजर को कुछ दिमाग में कुछ अटपट आता था तो अपने मन में कह भी देते थे, लेकिन आज आज मैं सोचता हूँ उसके बाद जब मैं आ गया तो मैं सोचता हूँ कि जो सुपरवाइजर करते थे वो बहुत अच्छा करते थे, वो हमारे भलाई के लिए किए थे उन्होंने, और उन्होंने जो है एडिटिंग इतना बढ़िया करते थे कि मतलब हम लोग जो एक पन्ना जो लिख करके ले जाते थे पूरा उसको लाल कर देते थे और फिर उसको फिर करते थे धीरे धीरे जो है मतलब इस तरह से। पीएचडी भी जो 1977 में हमारी पीएचडी जो है कंप्लीट हुई और 1978 में जो परमानेंट पोस्ट एडवर्टीजमेंट हुआ वो क्योंकि हम लोग तो टेम्पररी रहे उस समय जो है 1979 में परमानेंट पोस्ट एडवर्टाइज हुई और फिर 1979 में जो है लेक्चरर में परमानेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो गया जो है। 1984 में जो है 1984 में रीडर हुआ और 1998 में जो है अपना प्रोफेसर हुआ मैं। इस बीच में रॉकफेलर फाउंडेशन यूएसए का एक जो है पोस्ट डॉक्टर फेलो होता है पॉपुलेशन स्टडीज का, बहुत जो प्रेस्टिशियस फेलोशिप होता है वो भी हमें मिला। उसके लिए जो है ऑस्ट्रेलिया में मैं जा करके पोस्ट डॉक्टर फेलो किया जो कैनबरा में जो है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में मैं दो साल वहाँ पर रहा। उसके बाद फिर जो है बीएचयू आया जो है 1984 में रीडर हुआ। इसके बाद कई जगहों पे जाने का मौका मिला जो है, हमको लगता है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं जो है जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको छोड़ दिया जाए तो कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि जिस देश में हमने विजिट नहीं किया है, अब नहीं किया है। मैंने दो बार जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है इंडो जापान फेलोशिप मिला और टोक्यो में जो है चार चार महीना रहने का जो मौका मिला वहाँ पर भी मैं जो है रहा चार चार महीने तक। तो काफ़ी जो है अमेरिका की एक जो है अल्फा कापा डेल्टा जो फेलोशिप जैसा कि किरुद भंडारी जी ने पढ़ा जो है वो बहुत ही जो सोशल साइंस में जो एक अच्छे जो जर्नल्स में अच्छे पेपर्स के लिए जो है उस अवार्ड मिलता है वो भी जो है अवार्ड मुझे मिला था। करीब जो है उस समय जो है डॉलर की वैल्यू जो है बहुत कम होती है, फिर भी जो करीब जो है $10,000 का एक अवार्ड होता है वो मिला था और एक जो अपना मेमेंटो जो है वो जो मिला हुआ था एक पेपर के लिए। तो ये मेरी जो है वो जर्नी रही। इसके बाद जो है मैं 1999 से 2002 तक डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा और 2005 में उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का कुलपति हुआ। करीब 3 साल का होता है यूपी में, फिर मैं बैक हुआ जो डिपार्टमेंट में। फिर 2011 में जो है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो जलोपुर का कुलपति हुआ, वहाँ पर 4 साल तक काम किया क्योंकि मध्य प्रदेश में 4 साल का होता है टर्म होता है, वहाँ ख़त्म नहीं हुआ था, करीब 1 महीना बाकी था तभी हमारा जो है अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा में कुलपति हो गए जो है। 4 साल मैंने वहाँ काम किया। उसी समय जो है छतरपुर जो विश्वविद्यालय
नया नया खुला था, उसका भी चार्ज उसी पीरियड में हमको मिला जो है, तो उसको भी संभाला मैंने। जब मैं रीवा विश्वविद्यालय में था तो अपने कन्वोकेशन में जो है आचार्य को मैंने वहाँ पर आमंत्रित किया था, आचार्य को डीलिट का ऑनर्स का डिग्री वहाँ पर दिया गया। उसी समय आचार्य जी ने मुझे कहा, भाई कब तक यहाँ पर टर्म आपका है? मैंने कहा कि सितंबर जो है 2019 मेरा टर्म ख़त्म होगा। तो उसी समय उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर, हमने कहा उसके बाद तो फिर अब एज भी हो गई, कहीं कहीं जाना नहीं है, घर चलेंगे, काशी में राम राम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ जो है आप आ जाना जो है। मैं सितंबर में ख़त्म हुआ, अक्टूबर नवंबर दो महीना साथ मैं बनारस में रहा, फिर दिसंबर में 2019 में मैं यहाँ आया। तब से आप लोगों के संपर्क में यहाँ पर मैं हूँ। तो ये मेरा जो है ब्रीफ में एक हिस्ट्री रही यहाँ पे आप लोगों के साथ रहने का। यहाँ आने पे जो है बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें एक रिसर्च में मैंने, और रिसर्च मेथोडोलॉजी का मैंने कहा कि मैं आपको जो है वो 29th को डिटेल में बताऊंगा। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बातें हुई थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है जो है, और जैसा कि आप लोग जो है कितने लोगों को है जानकारी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जानकारी है लोगों को, और आप लोगों को कोई है इस पे जो है सर जी को जाने जो लोग कमेटी में, हम लोग कमेटी भी एक बनी हुई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एक आप लोग जानते हैं इसका, हम थोड़ा सा जो है आप लोगों को मुझे याद नहीं है लेकिन इसका हम जो पढ़ करके मैं बताता हूँ एक क्या इसका ये है देश देखो। बहुत ही आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें देखिए बिल्कुल कितना अच्छी चीज़ में दिया हुआ कि इस नीति के अंतर्गत पाठ्य चर्चा और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों एवं संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव, बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों को जागृत उत्पन्न करना, ये मतलब कि बेसिक जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये मोटो है। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था एक बार, भाई शिक्षा लेने का मतलब ये है कि आप अपने को तो आप अच्छा कर रहे हैं आप अपने जो, लेकिन आप जो है समाज को क्या आप दे रहे हैं, शिक्षा से जो है किस तरह से आप उत्तरदायित्व क्या बनता है आपका, अपने जो है घर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए आपका उत्तरदायित्व क्या है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम सर्विस तुरंत ढूंढें, सैलरी मिलना शुरू हो जाए, मैं अपना जो है खर्चा लाना शुरू करूं अपने परिवार का। आप शिक्षा का मतलब कि आप जो शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं इससे आप लोगों को क्या आप दे रहे हैं। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है मेन इसका उद्देश्य यही है कि हम समाज के प्रति भी किस तरह से उत्तरदायित्व हैं और कैसे हम उनको अपने ज्ञान का जो है हम प्रसार कर सकें, लोगों को ज्ञान हम जो है दे सकें जो है। तो पहले जो 10+2 हमेशा कहा जाता है कि हमारी की जो शिक्षा पद्धति है जो 10+2 का है, 10+2 का मतलब कि जो है आप 10वीं+2 जो है और 12वीं का है। अब उसी को इन्होंने कर दिया है कि 5+3+3+4। 5 का मतलब होता है कि शुरुआत में 5 साल जो है यह जो प्रेपरेटरी जो है एजुकेशन है। बच्चा जब 4 साल का होगा तो कहते हैं कि 4 साल में वह नर्सरी में एडमिशन लेगा, इसके बाद LKG में, UKG, इसके बाद 1 और 2, Class 1, Class 2। तो ये 5 साल तक उसका जो है वो प्रेपरेटरी जो है एजुकेशन पॉलिसी चलेगा, जो अपना घर से भी उसका संबंध रहेगा और अपने लोकल जो है लैंग्वेज में, रीजनल में अपनी जो बातें होंगी, और ये कम से कम जो तैयार होगा अपने एजुकेशन के लिए तैयार हो गया। तो इसको इन्होंने 5 कहा जो है कि नर्सरी, लोअर KG, अपर KG, Class 1, Class 2। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब आपका क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ये जो प्राइमरी एजुकेशन है,
इसके बाद जो क्लास सिक्स, क्लास सेवन, क्लास एट, ये आपका मिडल है, और फिर नाइन नाइन ट्वेल्व ये आपका जो है चार साल का, जिसको कि उन्होंने जो है इंटरमीडिएट या इस तरह से जो स्कूलिंग जो है अपना किया हुआ है। और इसमें रीजनल लैंग्वेज का है कि रीजनल लैंग्वेज होगी, और नाइन से जो ट्वेल्व के बीच में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे हमारा जो है आपका जो भारतीय शिक्षा बोर्ड जो बन रहा है उनका सिलेबस भी मैंने देखा है अपने सब्जेक्ट का, हमारे सब्जेक्ट का उन्होंने दिया था हमको कि थोड़ा इसको जो चेक कर लीजिए, इसलिए थोड़ा सा मुझे याद है। नाइन्थ हाई स्कूल जो इंटर में जो है आप लोग सांख्यिकी का नाम तो जान ही रहे हैं आप लोग, जो है सांख्यिकी थोड़ा सा पढ़ाया जाता है बहुत, मीन मीडियन मोड और आपका जो है ये डिस्पर्सन वगैरह थोड़ा बहुत है, कुछ कोरिलेशन है, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है, ये आप लोगों ने किया है। अब इन्होंने क्या किया है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में नौ से लेकर के इंटरमीडिएट के बीच में स्टैटिस्टिक्स का एक काफ़ी पार्ट इन्होंने जो है ले लिया है, जिसमें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी भी उसमें है, तो कुछ चेंजेज अपना कर रहे हैं और काफ़ी उसमें इन्होंने जो है और जो प्रोजेक्ट वर्क काफ़ी अपना रखे हुए हैं। टाइम टू टाइम जो है किस तरह से बच्चे जो नॉलेज गेन करेंगे वो किस तरह से इसका डिस्पर्सन जो है अपने विलेज में जा करके जो है नेबरिंग एरिया में जा करके ये किस तरह से जो है डेटा कलेक्ट करेंगे और जो प्रैक्टिकल की किस तरह से वो कर सकते हैं। तो इस तरह का अन्य सब्जेक्ट में भी होगा, मैं तो अपना सब्जेक्ट बताया जो कि मैथमेटिकल है, इसमें बहुत उतना नहीं होगा, लेकिन अन्य सब्जेक्ट में भी इस तरह से होंगे। तो काफ़ी इन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लोग इस तरह कर रहे हैं कि हम समाज से जुड़े, अपने जो एजुकेशन का है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम समाज से कैसे हम जुड़ सकते हैं, इस तरह का कोशिश उन्होंने किया है। चूँकि हम लोग जो हायर एजुकेशनल सिस्टम में हैं, इसलिए हायर एजुकेशन में उन्होंने जो है अपना मल्टीपल इंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात उन्होंने किया है कि हर लेवल बच्चा होता है कि अगर तीन साल के लिए आपका ग्रेजुएशन में एडमिट होता है, अगर किसी रीजन से वो एक साल में छोड़ दिया, दो साल में छोड़ दिया, तो उसको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट डिग्री जो है वो नहीं मिलती है, जब तक कि वो जो अपना ग्रेजुएशन पूरा जो है सिक्स सेमेस्टर या जो थ्री ईयर्स एनुअल अपना जब तक पास नहीं करता है तब तक कोई उसको नहीं मिलता था। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने क्या किया है कि दो सेमेस्टर के बाद अगर लड़का छात्र किसी रीजन से आगे अगर एजुकेशन नहीं करना चाहता है तो उसको जो सर्टिफिकेट डिग्री है जो जिसको उसका नाम है अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट जो सर्टिफिकेट दे करके वो जा सकता है और उसका क्रेडिट जो है इसलिए बन रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी इसका नाम है, ये भी जो बन करके तैयार हो रहा है एबीसी उसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो वो क्रेडिट कितना उसने अर्न किया जो है दो सेमेस्टर में, और क्रेडिट जो दो सेमेस्टर का 44 है, 44 जो क्रेडिट अगर वो कंप्लीट करता है तो उसको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो साल भर में वो छोड़ करके जो जा सकता है। वो कभी फिर अगर आएगा अगर वो थर्ड सेमेस्टर में एडमिट करना चाहता है तो उसका 44 क्रेडिट उसका जो है रखा हुआ है उसके लिए बैंक में आपका उसका क्रेडिट है, और इसके बाद फिर वो अपना जो कंटिन्यू जो कर सकता है। इसी तरह से अगर लड़का जो चार सेमेस्टर उसने पढ़ा 88 जो क्रेडिट उसने अगर पूरा किया उस समय वो छोड़ना चाहता है तो उसको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा उसको जो है दे करके आप जो छोड़ सकते हैं और उसका 88 क्रेडिट जो आप यूनिवर्सिटी में आप अपना जो है रिपोर्ट कर लेंगे, या जो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट भी इसको कहते हैं वो आपके यूनिवर्सिटी में अगर रिटर्न नहीं होता है किसी अन्य यूनिवर्सिटी में, जैसे छात्राएँ हैं मेनली जो है अगर बीच में शादी हो गया वो अपने जो मायके से जो है अपने जो ससुराल में चली गई जो है अब लौट कर नहीं आना चाहती हैं, उनके ससुराल के आसपास कोई जो है कॉलेज है यूनिवर्सिटी है वहाँ जाकर पढ़ना चाहती हैं, तो जो क्रेडिट उन्होंने अर्न किया है वो क्रेडिट उनका जो ट्रांसफ़र हो जाएगा वहाँ पे और वो अपना जो है फिर कंटिन्यू आगे जो है अगर उन्होंने अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो उनको जो है फिफ्थ सेमेस्टर में वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर उन्होंने अगर कम्प्लीट कर लिया तो 132 क्रेडिट उन्होंने कम्प्लीट कर लिया तो उनको जो है आपका जो है डिग्री जो आपका ग्रेजुएट डिग्री
ये अपना मिलेगी जो 3 साल का। तो ये उनका जो है आपका मल्टीपल इंट्री और मल्टीपल एग्जिस्ट का एक नियम है, और ग्रेजुएशन भी उन्होंने 3 साल और 4 साल का कर दिया है। अब सिलेबस इस तरह का आपका होगा तैयार कि ग्रेजुएशन जो 4 साल का होगा और जो 4th साल होगा वह जो है रिसर्च ओरिएंटेड होगा, उसमें ऐसी चीज़ें उसमें रखी जाएंगी कि उसमें ये जो रिसर्च भी हो सकता है। कोर्सेज कैसे रहेंगे, अब कोर्सेज जहाँ सुबह भी बातें हो रही थी, दीदी भी बात कर रही थी और भी आए थे भाई कि आजकल जो है स्किल संबंधी कोर्सेज हर एक में आपका जो है, इसीलिए मैंने कहा कि जैसे CBCS सिस्टम में तो हमारे सिलेबस बनकर तैयार हैं, अन्य जगह भी हैं। अब CBCS सिस्टम तो रहेगा ही, उसके साथ हमको सब्जेक्ट का रखने हैं एक, उसमें लैंग्वेज, इसमें बार बार इसमें कहा गया है कि लैंग्वेज शुड बी कंपल्सरी, लैंग्वेज कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, वह एक जो कंपल्सरी आपका जब आप सर्टिफिकेट लेते हैं तब भी, डिप्लोमा लेते हैं तब भी, या ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं हर साल में एक लैंग्वेज जो है आपका कंपल्सरी है। और एक जो है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जो एबिलिटी को आपको जो है इन्हांस करता है वो कोर्स, और 3rd ईयर में आकर के दिया हुआ है कि एक स्किल ओरिएंटेड कंपल्सरी कोर कोर्स, यह आपका जो होना जरूरी है। तो मेन है कि स्किल पर उन्होंने ध्यान दिया है कि स्किल से रिलेटेड जो कोर्स है आपका, यह कोर्स आपका जो जरूर रहेगा, ये आपको करना है। और 4th साल में जैसा मैंने बताया कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें, ये भी साथ साथ आपके पास जो कोर्स रहेंगे। इसी तरह से PG के लिए उन्होंने 1 साल और जो है 2 साल का भी अपना किया है, अगर जो अंडर ग्रेजुएट के बाद जो है 2 साल का PG 3 साल का किया उन्होंने ग्रेजुएशन, तो उनको जो है 2 साल करना पड़ेगा, और जो 4 साल का किया है उसको जो है साल भर का करना पड़ेगा, वहाँ भी इसी तरह से जो क्रेडिट सिस्टम ये दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपके जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। मेनली ये चीज़ें हैं कि कोर्स हम लोग किस तरह से कोर्स बनावें, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ऑल इंडिया के लिए जो एक ही है, सिलेबस आपके जो बदल सकते हैं, कोर्स आपके जो बदल सकते हैं, जैसा आज भी है डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जो है वो डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपके कोर्स सब्जेक्ट आपके बदल सकते हैं, लेकिन पैटर्न्स रिमेन्स द सेम, पैटर्न आपके सेम रहेंगे। आपको एक स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्स आपको रखना ही होगा, एबिलिटी इन्हांसमेंट रिलेटेड एक कोर्स आपको रखना है, और लैंग्वेज से रिलेटेड आपको रखना है। ये उसमें एक भी कहा गया है कि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हालांकि उन्होंने कंपल्सरी शब्द नहीं कहा है, लेकिन एज पॉसिबल एज ये शब्द, ये जो है वर्ड है उसमें, कि कोशिश किया जाए कि संस्कृत जो है लैंग्वेज एक जो है समय शुरू से लेकर अंत तक जो है इसको रखा जाए जो है। हालांकि कंपल्सरी वर्ड नहीं किया यूज, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो है यह संस्कृत एक लैंग्वेज जो है अन्य लैंग्वेज के साथ जो है संस्कृत का एक रखना जो है यह है उचित है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इस समय चल रही है उसमें ये सब चीज़ें हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी इसमें कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस समय GER मतलब पूरे इंडिया में जो है ग्रास इनरोलमेंट रेशियो जिसको कहा जाता है, ये जो 27% है आजकल जो है, और इसको जो है उन्होंने कहा कि 2035 तक जो है ये 50% होना चाहिए, 50% जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रास इनरोलमेंट रेशियो बाई 2035 शुड बी 50%। तो ये इसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा है कि चीज़ें जो है होनी चाहिए, और उन्होंने ई लर्निंग पर भी इन्होंने काफ़ी जो है इन्होंने दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बच्चों पर जो टेक्स्ट बुक पे बहुत जो डिपेंडेंट ना हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी है कि हमारे जो है चाहे जो प्राइमरी मिडिल के बच्चे हों, टेक्स्ट बुक का जो कि बहुत बड़े जो बैग झोला जो है लेकर जाते हैं,
उसको जो अवॉइड किया जाए। और ई लर्निंग पर जो काफ़ी उन्होंने कहा है कि ई लर्निंग को जो प्रोत्साहन जो है देना है, इसमें जो है ये उन्होंने कहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने जो हमारे टीचर्स होंगे जो है, जो मैंने वो 5+3+3+2+4 की जो बात मैंने किया, उसमें जो टीचरों के लिए, टीचर्स के लिए बीएड कंपलसरी जो है करने जा रहे हैं। बीएड शुड बी कंपलसरी और बीएड 4 साल का होगा। ये भी एक जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक है कि अभी तक तो ऐसे टीचर नहीं है, अभी तक तो जो है कंपलसरी नहीं है जो टीचर बीएड हो, लेकिन बीएड जो है कंपलसरी होंगे और ये 4 साल का होगा। एक इसमें ये भी है, मैं अपने जो कमेटी में भी कई बार मैंने बात किया था कि अभी तक ओपन यूनिवर्सिटीज हर स्टेट में हैं, पूरे इंडिया में हर स्टेट में एक एक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हैं और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल जो है ओपन यूनिवर्सिटी आप कहें वो इग्नू है। इग्नू का नाम आप लोगों ने सुना है, जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो जो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है और हर स्टेट में एक एक ठो ओपन यूनिवर्सिटी है। और इसका नियम है कि किसी कोई भी जो कन्वेंशनल विश्वविद्यालय हैं जो डिस्टेंस मोड में जो लोग पढ़ाई नहीं करते, उनको जो है ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपना कोर्स डिस्टेंस मोड में लागू नहीं कर सकते। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया है कि जिस यूनिवर्सिटी का ग्रेड नैक ग्रेड अच्छा है, वो यूनिवर्सिटी किसी एक सब्जेक्ट में जो उनका पॉपुलर सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में ODL सिस्टम में, मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में, वो डिस्टेंस मोड पे अपना ये चला सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहिए योग जो बहुत ही जो पॉपुलर है, जैसे मैं कहा जाता है कि भाई कि अगर हमको छात्र की संख्या अगर बढ़ानी हो, हमको अपना जो है अर्निंग अगर बढ़ानी हो, अगर पतंजलि जो विश्वविद्यालय अगर योगा साइंस में ऑल इंडिया ओपन कर दे तो ये लोग बहुत जगह पर चलने को तैयार हो जाएगा, लोग लेने को तैयार हो जाएंगे सब लोग सर्टिफिकेट डिग्री। लेकिन अभी चूंकि इसका परमिशन नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि अगर नए ग्रेड जिस यूनिवर्सिटी का अच्छा होता है किसी एक सब्जेक्ट में जो है ODL सिस्टम में लागू कर सकते हैं, ये इनका नियम है। एक ये भी इनका कहना है कि 2035 तक जो है हर विश्वविद्यालय में कम से कम जो है 3000 विद्यार्थी होने चाहिए। तो हमारे यहाँ भी अभी जो है 2035 है, बहुत समय अभी तो है, अभी तो इसमें हो जाने का है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो है दिया है कि हर अपने जो है करिकुलम डेवलपमेंट वर्कशॉप रेगुलरली जो करना चाहिए। हम लोगों का ये जो रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत हुआ है, अब इसके बाद जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी सभी जो है यूनिवर्सिटी करीब करीब जो है 2-3 दिन का जो है कॉन्फ्रेंस सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रही है अवेयरनेस के लिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत लोग नहीं जान रहे हैं अभी जो है, केवल कुछ लोग तो केवल इतने ही अपना जानते हैं कि भाई इसमें जो मल्टीपल इंट्री मल्टीपल एग्जिट पॉलिसी है सिस्टम है या 5+3+3+4 सिस्टम है, तो इसके ज़्यादा लोग नहीं जान रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आप डेप्थ में जाएं आप तो काफ़ी चीज़, जैसे अभी हमने बताया कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये क्या है, जो है किस तरह से जो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट होगा कैसे होगा, इसका बहुत डिटेल में अगर जाने तो इन सब चीज़ों को इसमें जो है दिया हुआ है। तो ये भी जो ऑर्गेनाइज जो करना चाहिए और जो है जानना चाहिए लोगों को। PhD लेवल का उन्होंने कहा है कि PhD के लिए जिस तरह से PhD हो रहे हैं जो है देश में, ये केवल किसी एक एक विश्वविद्यालय के लिए, इसमें जो है लोगों ने कहा है कि बहुत जो सेटिस्फैक्ट्री जो है रिसर्च नहीं हो रहे हैं। इसके लिए जो प्रमोशन पॉलिसी उन्होंने कहा है कि जो है रिसर्च पेपर्स पर उन्होंने इम्फेसिस दिया हुआ है कि रिसर्च अगर उसका जो है
इम्पैक्ट फैक्टर या जो है उसका साइटेशन या उसका इंडेक्स या इंडेक्स बढ़िया पेपर्स हैं, अगर ऐसे टीचर्स अगर पब्लिश करते हैं तो उनका प्रमोशन भी उसी रेट से होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें इसमें जो कुछ कहा गया है कि आप अच्छा काम करें और अच्छा जो प्रमोशन लें, ये भी जो है इसमें बातें हो रही हैं। और बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई है जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो क्लब उन्होंने बनाने की बात किया है, क्लब तो ऑलरेडी इसे डिबेट्स होते रहते हैं, डिबेट के लिए है, म्यूजिक के लिए है, डांस के लिए है, ये सब चीज़ें तो यूनिवर्सिटीज़ में होती रहती हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने वो कहा है। और एक उन्होंने कहा है कि हर यूनिवर्सिटी में एक टीचिंग रिसर्च एंड इंटरडिसिप्लिन ऑफिस एक होना चाहिए, शॉर्ट में को TRIO, टीचिंग रिसर्च एंड इंटरडिसिप्लिनरी ऑफिस एक जो क्रिएट होना चाहिए, इसको करना चाहिए। और मेंटर और मेंटीज का तो नाम आप लोग सुने ही हैं, वहाँ हमारे पास यूनिवर्सिटीज में है, लेकिन इसमें कहा है कि बहुत सारे जो विश्वविद्यालयों में जो है मेंटर और मेंटीज स्थापित है लेकिन उसके अनुसार काम हो नहीं रहा है, ये उनका जो है वर्डिंग है। तो अब हमको नहीं समझ में आता, यहाँ भी तो है, आप लोग कर रहे हैं जो अपने यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में है, मैंने देखा है कि मेंटर और मेंटीज का है, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी क्या है जो मेंटर का, ये चीज़ नहीं कहीं पर जो है कि नहीं उनका, और क्या है रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम में वो देखने को आता है, कभी जो है अटेंडेंस पूरा नहीं हो रहा है तो कभी नहीं ये हो रहा, वो दिक्कत है। तो अगर मेंटर्स का जो है कंट्रोल क्या है मेंटीज पे, ये सब चीज़ें जो है इस तरह की नहीं है, तो यह एक बहुत ही इसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन जो है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है बहुत ठीक नहीं है, इसको जो है देखना चाहिए जो है। और दूसरा इन्होंने एक और कहा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर स्थापित होना चाहिए, हालांकि इसका जो UGC सैंक्शन करती है, जो पहले जो है एकेडमिक स्टाफ कॉलेज हुआ करते थे, अब उसी का नाम जो उन्होंने बदल करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर जो है कर दिया है। और ये जो रेफ्रेशर कोर्स जो आपका हो रहा है, चूँकि हमारे जो विश्वविद्यालय में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर नहीं है, इसलिए जो UGC स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन UGC का कहना है कि जिस यूनिवर्सिटी में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर नहीं है वहाँ भी अगर आप उस नियम के तहत अगर आप रेफ्रेशर कोर्स करवाते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप करवाते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट का इम्पोर्टेंस, उसकी वैलिडिटी जो है सर्टिफिकेट का उतना ही है जितना UGC स्पॉन्सर्ड रेफ्रेशर कोर्स का है। तो ये इसमें जो दिया हुआ है, तो ये भी जो एक स्थापित जो है करना चाहिए जो है। और रिसर्च का मैंने कहा कि उन्होंने क्वालिटी के साथ साथ जो क्वांटिटीज की भी जो बात किया है, एक नंबर स्पेसिफिक एक नंबर होना चाहिए, इसलिए कई बार मैं कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के अध्यापक हैं जो है अध्यापिकाएँ हैं मेहनत लोग करते हैं। मैं एक और बात करें, बहुत सारे यहाँ होता है, मैं कोई एक हमारे शिक्षक को इसको अदरवाइज नहीं लेंगे इसको, कि हमेशा होता है कि भाई जब मैं कभी किसी काम के लिए मैं बात करता हूँ, जैसे मैं NAC का जिसमें मैं डेटा की बात करता था, साहब इसमें परीक्षा चल रही है, परीक्षा बीत जाए, अच्छा ठीक है भाई परीक्षा बीत जाए, सब क्लासेस शुरू हो गए हैं, क्लासेस जो है 5 बजे पहले कहाँ सर हो पाएगा, अच्छा भाई ठीक है वो भी हो जाए जो है, तो मतलब ये तो अगर इस तरह से करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा समय। हम लोग भी नहीं किया है, मैं तो बता रहा हूँ कि भाई कि मैं 1972 में लेक्चरर भी हुआ, 1977 में PhD किया, उसी बीच में टीचिंग भी चल रहा था, रिसर्च भी चल रहा था, मैं बाद में चल करके जो है एक हॉस्टल का जो है वार्डन भी बना, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वार्डन भी बना, बाद में चल करके पूरा मैं एक जो हॉस्टल जो साइंस फैकल्टी के हॉस्टल वहाँ पर 10 हैं जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, 7 करीब जो छात्रों के थे और 3 छात्राओं के थे, साइंस फैकल्टी हॉस्टल का कोऑर्डिनेटर हुआ पूरा मैं 5 साल तक रहा मैं जो कोऑर्डिनेटर। इसमें काम था कि आप जो है दिन में तो आप जो है 20 पीरियड हम लोग भी लेते थे पर वीक, दिन में क्लास ले रहे हैं, 5 बजे से जो वार्डन का काम शुरू होता था, क्योंकि उसी समय जो है बच्चों की प्रॉब्लम समस्याएं सुनना जो है वो करीब जो 5 से 7 होता था,
और 5 से 7 के करने के बाद 7 बजे हम जब घर जाते थे तो 2 बेटा 1 बेटी, उस समय जब मैं आ गया BHU में तो आ गए, छोटे हो गए, तो कोई 1 में पढ़ रहा, कोई 2 में पढ़ रहा है। तो वार्डन क्वार्टर जो है उसी हॉस्टल में ही एक जो है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो लोग परिचित होंगे जो है भरोचा हॉस्टल के नाम से एक बहुत बड़ा हॉस्टल है साइंस फैकल्टी का, उसके ऊपर ही जो वार्डन लोग रहते थे। तो जब भी मैं जो घर जाता था तो मेरे बच्चे जो है वो नीचे ही खेलते हुए अपना मिलते थे, लेकिन जानते थे कि अब 7 बज रहा है तो पापा आने वाले होंगे, तब से चढ़ जाते थे ऊपर और किताब लेकर के बहुत सारी किताब जल्दी जल्दी में उल्टे ही अपना रखते थे कि जल्दी लोग देख लें। तो मैं कईयों को मैं जो है वो चेक किया था कि वो किताब अपना उल्टे रखा हुआ है, क्योंकि जल्दी में रख दिया जो है हमारे डर के। तो वो भी किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम किया, रिसर्च का काम जो है हम लोगों के यहाँ थेसिस सबमिट जो उसी समय होती थी, हम बताएं थेसिस सबमिट करने का था कि अगर एक थेसिस में 5 चैप्टर होने हैं तो 5 चैप्टर जब तक पब्लिश नहीं हो गए तब तक सुपरवाइजर जो है थेसिस सबमिट नहीं करवाता था। 5 के 5 चैप्टर अगर 5 हैं, 6 चैप्टर हैं तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर छोड़ करके जो हमारे टेक्निकल चैप्टर होते हैं वो जब तक पब्लिश नहीं हो जाते थे तब तक थेसिस सबमिट नहीं होती। तो वो भी करते थे हम लोग। तो रिसर्च शाम को करते थे, घर में जाकर करते थे, दिन में टीचिंग का है, शाम को एडमिनिस्ट्रेशन का है, रात में रिसर्च का है। तो सब जो 24 आवर्स का काम है। यहाँ पर जो है जो बातें होती है कि भाई अभी तो परीक्षा चल रही सर, कहाँ परीक्षा तो बड़ा मुश्किल है सर, क्लास अभी चल, तो भाई थोड़ा सा जो है आप लोग, क्योंकि कल कहीं बात हो रही थी कि अब हम लोग के यहाँ तो यही कहा जाता था, अन्य लोगों के लिए तो जैसे कुलपति की बात हो रही थी, कुलपति काम जो 24 आवर्स का है या जो डॉक्टर है किसी का भी है रात को, लेकिन मैं तो समझता हमारे तो बनारस सुंदर यूनिवर्सिटी में शिक्षकों का भी यही है, शिक्षकों की ड्यूटी जो 24 आवर्स है, किसी भी समय जो जरूरत जो पड़ सकती है। तो हमारे कहने के मतलब कि हम यूनिवर्सिटी को अगर हमको एक लेवल पर अगर हमको जो ले जाना है तो हमारे जो शिक्षक हैं हमको उन्हीं को जो मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे मैंने आज एक काम कर लिया तो दूसरा काम नहीं होगा तो वो संभव नहीं है, तो ये करना चाहिए। तो इसमें जो क्वांटिटी का भी नंबर दिया होगा, रिसर्च क्वालिटी के साथ साथ जो है क्वांटिटी भी होना चाहिए। तो कम से कम जो है साल में 2 पेपर तो पब्लिश एक टीचर को कर ही देना चाहिए, जो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, जो 6 महीने का मतलब कि वो ड्यूरेशन है। और एक और जो हमारे जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, मैं एक कहना चाहूँगा, जब हम लोग जो रिसर्च करते थे जो जो बेसिक चीज़ें क्या हम लोग सुपरवाइजर बताते थे कि आप टॉपिक कोई आपको अगर दिया गया है, पहले तो टॉपिक लोग देते नहीं थे, पहले कहते भाई 6 महीना साल भर पढ़ो, जो समझ में आता है कि इस डायरेक्शन में आप काम कर सकते हो फिर वो टॉपिक अपना जो है वो चूज करना। तो टॉपिक से ये होता था कि आप किसी भी पेपर को, जब आप दूसरे का पेपर जो आपके जो है सीनियर हैं उनका पेपर पब्लिश्ड है, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, जर्नल को देखते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा टोटल, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप एक नियम बना लीजिए कि कम से कम उसका जो समरी पार्ट है, अब्स्ट्रैक्ट है, केवल उसको पढ़िए और लास्ट में का कंक्लूजन जो दिया है उसको पढ़िए, दो ही चीज़ को पढ़िए आप करीब, इसको कंटिन्यूस 1 महीना करिए आप जो है, और करीब 4-5 पेपर डेली इसको आप पढ़िए, देखिए आपको दिमाग में आ जाएगा कि हमसे आगे इस टॉपिक पर आगे क्या लोगों ने किया, पहले लोगों ने क्या किया है, कहाँ पे जो है। केवल कुछ मत पढ़िए, अंदर का पेपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, टेक्निकल होगा, बहुत चीज़ नहीं आएगा समझ में, छोड़ दीजिए, केवल जो 7-8 लाइन का जो समरी दिया हुआ है समरी को ठीक से पढ़िए और उस समरी को समझने का प्रयास करिए, लास्ट में देखिए कंक्लूड क्या किया, इतने खाली पढ़िए। और करीब 1 महीने तक इस प्रोसेस को आप करते हैं और डेली 4-5 पेपर आप पढ़ते हैं, 1 महीना आपने किया कम से 100 से ऊपर ज़्यादा पेपर पढ़ लिया, आपको जो थियोरी जो क्लियर हो जाएगी आपको पूरा कि रिसर्च क्या होता है, केवल इतना ही पढ़िए आप समरी। और ये हम लोग भी यही करते थे, हम लोग सुपरवाइजर यही बताते थे, क्योंकि किसी का पेपर जो है जब आप MA MSc करने के बाद तुरंत आप PhD में आपका एडमिशन होता है तो PhD बहुत आसान नहीं है, तो वो आपका समझने में दिक्कत होगी, किसी का पेपर जब पब्लिश पेपर आप पढ़िएगा आपको समझ नहीं आएगा उसमें क्या है। तो इसके लिए यही यही करना है कि आप केवल
समरी उनका पढ़िए, अब्स्ट्रैक्ट आप पढ़िए और लास्ट में जो कंक्लूजन आप पढ़िए क्या उन्होंने जो कंक्लूड किया है। बहुत सारे एक दो जो है, मैं बाबा घुसी में यहाँ पर था मैं जो है, अब एक जो है, अब लड़के का जो एक थीसिस उस दिन थी जो है, जो हो रहा था उसमें हाइपोथेसिस, मतलब मैं बोलना चाहता लेकिन नहीं बोला, जो कम्प्लेक्स, अभी मैं आपको बताऊंगा जब रिसर्च मेथोडोलॉजी पर मैं आऊंगा तो डिटेल आपको बताऊंगा जो है, कि आपका जो है कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी भी किताब में कहीं भी आपको कम्प्लेक्स नाम नहीं मिलेगा कि कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कुछ होती है। लेकिन एक स्टूडेंट ने जो कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जो लिखा हुआ था, दो हाइपोथेसिस होती है, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस, कहीं पर कम्प्लेक्स शब्द नहीं है, कम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं होता है। तो इसको ध्यान, इस तरह की चीज़ों को जो है रखना जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक रिव्यू लिटरेचर, ये भी मैंने यहाँ का देखा है कि अन्य जगह का भी है, यहाँ का ही नहीं, मैं कहूँगा कि जो आजकल रिसर्च जो चल रहे हैं, रिव्यू लिटरेचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लिटरेचर जो हमारे उस टॉपिक पर है उसको किस तरह से हम रिव्यू करें, उसको जानें और समझें, इस तरह से चीज़ों को जानना चाहिए। तो अभी मैं इसकी बात कर रहा था, एक और इन्होंने कहा है कि कम से कम यूनिवर्सिटी में जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात इन्होंने किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है ये ज़रूर होना चाहिए। और लाइब्रेरी के बारे में उन्होंने कहा है कि जो कॉलेजेज या यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी हैं, केवल यूनिवर्सिटी या कॉलेज के छात्रों के लिए ही ना हो, वहाँ के समाज, वहाँ के सोसाइटी के लिए भी कुछ देर के लिए ओपन हो। जैसे हमारे जो है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की जो हमारी जो लाइब्रेरी है, अगर हमारे जो है पड़ोस के जो है नेबरहुड के अगर कुछ लोग हैं जो जो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, चल के शाम को हम अपना उसमें पढ़ें, तो उनके लिए ओपन होना चाहिए जो है, ऐसे उनके लिए जो है करना चाहिए। तो ये भी इन्होंने इसमें कहा हुआ है। ये कुछ चीज़ें थी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमने जो है बताया डिटेल, और आपको जो है अगले लेक्चर में जो 29 तारीख को जो हमारे कुल सचिव महोदया जी बताएंगे कुछ इसके बारे में। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में मैं 29th को आप लोगों को डिटेल में मैं जो है इस पर बताऊंगा। और इसमें आप किसी को कोई जिज्ञासा हो जानने का तो आप लोग पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। प्रणाम सर। जैसा कि नई शिक्षा जो नीति है उसमें योग विषय जो है वो अनिवार्य रूप से लागू है ऐसा कहा गया था, लेकिन क्या आज भी स्कूलों में, आज भी जो स्कूल है, जो प्राइमरी लेवल है, मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल है, वहाँ पे अनिवार्य है या नहीं है? क्योंकि आज भी जब योग विषय की बात आती तो वो कहीं ना कहीं रिलीजियस बात आ जाती है, वो धर्म का विषय है करके, तो इसमें कितनी संभावना है कि अनिवार्य विषय के रूप में इसको लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अब बहुत अच्छा जो आपने बताया जो है, ये भी ये कहना था इसमें कि जो मैंने बताया था कि योग तो हायर एजुकेशन में तो है ही है, क्योंकि जब हायर एजुकेशन में योग साइंस है तो जो है सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ है जो आपने धर्म की बात किया। अगर हायर एजुकेशन में अगर हम लागू करते हैं तो बहुत सारे हमारे जो है संस्थान हैं, या यूनिवर्सिटी ही ले लीजिए या कॉलेज ले लीजिए, वहाँ पर एक पर्टिकुलर जो धर्म से संबंधित लोग ही हैं, तो अगर हायर एजुकेशन में अगर कंपलसरी होता है तो निश्चित है कि आपका लोअर लेवल पर भी ये कंपलसरी रहेगा। अब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में क्या होता है, क्योंकि अभी जितनी चीज़ें हैं सब जो थ्योरेटिकल हैं, अभी एप्लीकेशन तो हुआ नहीं है लागू। अब एप्लीकेशन जब लागू होता है तब इसके बाद जो है क्या इसमें प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि थ्योरेटिकल तो हम कह रहे हैं, लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे आपका डिग्री हायर एजुकेशन में आपका मल्टीपल इंट्री और मल्टीपल एग्जिस्ट का है, अभी तो शुरू नहीं हुआ है। जब इसमें शुरू होगा तो कितने प्रकार की प्रॉब्लम आएगी, कितने प्रकार के रिकॉर्ड्स आपके रखना पड़ेगा, कितने क्रेडिट्स का है, तो उसी तरह से हायर एजुकेशन में तो योग साइंस दिया हुआ है कि योग साइंस एक होना चाहिए, तो हायर एजुकेशन में भी वो धर्म विशेष आ रहा है, तो यहाँ अगर आ रहा तो वहाँ भी है।
तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जब इसका लागू हो तब इसको बताया जा सकता है कि क्या इसमें जो है हो सकता है। गुरु जी, एक जिज्ञासा थी मेरी। जैसे आपने कहा कि जब मैक ग्रेड हमारी यूनिवर्सिटी का अच्छा होगा, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी का अच्छा होगा, तो इग्नू की तरह हम डिस्टेंस लर्निंग कोर्स चला सकते हैं, ऐसा आपने कहा जी। तो क्या जब हम डिस्टेंस लर्निंग कोर्स चलाएंगे तो हमारा जो जो प्रेजेंट मोड ऑफ एजुकेशन है ऑफ लर्निंग, वो कम नहीं हो जाएगी, बच्चों की संख्या कम नहीं हो जाएगी? बच्चों की संख्या तो इससे बढ़ेगी, आपकी कम कहाँ होगी, इससे तो बच्चों की संख्या आपकी बढ़ेगी ना। ऑफलाइन में तो हमारी कम हो जाएगी ना गुरु जी, वो डिस्टेंस लर्निंग से एमए कर लेंगे, यहाँ क्यों आना? नहीं, आप डिस्टेंस लर्निंग मोड पर तो ये आपका भी विश्वविद्यालय कर रहा है ना, ये कोई जो है वो इग्नू से या जो हर स्टेट में जो ओपन यूनिवर्सिटी है उनके छात्र नहीं हो जाएंगे, ये छात्र तो आप ही के रहेंगे ना। अगर आपका केरला में कोई जो डिस्टेंस मोड पर कोई लिया कोई कॉलेज कि हम जो है यूनिवर्सिटी या पतंजलि का योग में सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री, वो डिग्री आप देंगे, सर्टिफिकेट आप देंगे, डिप्लोमा एक देंगे पतंजलि देगी, केवल वो वहाँ पे क्लासेस केवल रन करेंगे, तो आपके छात्र की संख्या काफ़ी बढ़ेगी। गुरुजी, ये जो इन हाउस है, जैसे कि हम अभी पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में MA MSc की डिग्री दे रहे हैं, तो हमारे पास में पर से 100 बच्चे हैं, लेकिन जब हम डिस्टेंस लर्निंग शुरू कर देंगे MA MSc का, हमारा अगर मैक ग्रेड अच्छा हो जाएगा तो हमने MA और MSc का डिस्टेंस लर्निंग शुरू कर दिया, 100 बच्चे तो मुझे नहीं लगता कि आएंगे, फिर तो शायद 20 या 30 ही आए, क्योंकि वो तो फिर घर में रह के अपना MA MSc कोर्स कर लेंगे। बिहार के किसी क्षेत्र में बैठे 200 इनरोल हो गया लेकिन वो आए नहीं यहाँ, तो डिस्टेंस मोड में जो है आप जो एक दो चीज़ का अंतर आप समझिएगा, मैं पहले भी मैं कहता हूँ लोगों को, एक तो होता है कस्पांडेंस कोर्स होता है, एक जो डिस्टेंस मोड का कोर्स होता है, ई लर्निंग वाला जो होता है जिसको कि ODL बोलते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो एक तो कस्पांडेंस कोर्स होता है जिसमें कि क्लासेस नहीं होते, लेकिन जो ODL सिस्टम में होता है उसमें क्लास होते हैं, क्लास होते हैं। तो जहाँ पर होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आप जरूर कह रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने जो है हरिद्वार में किसी ने अगर खोल लिया हमारा जो है ODL सिस्टम से, और यहाँ पे मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, 100 सीट नहीं पूरा हुई, जो 70 ही हुआ, आपका कहना है कि यहाँ पर कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर कम होंगे लेकिन अन्य जगहों पर जो हमारे बढ़ गए, अगर 50 जो उत्तर प्रदेश में हो गए, 200 दिल्ली में हो गए, 200 बिहार में हो गए, इतना हो गए, तो ये तो बढ़ेंगे छात्र, यहाँ हो सकता है आपका कम हो जाए, लेकिन छात्र वो आप ही के छात्र हैं, आप ही उनको जो है जो वहाँ पर टीचर जो नियुक्त करेंगे आप जो है वहाँ पर भी आपके जो सिस्टम बढ़ेगा आपका, तो और सैलरी जो इनका जो ओपन जो होता है उनका होता क्या है कि अगर आप जो इग्नू का जैसे है कोई कॉलेज जो है इग्नू का अगर ले लिया तो आधा सिस्टम जो होता है वो सैलरी का पार्ट जो है इग्नू देता है, कॉलेज नहीं देता, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, और 50% जो कॉलेज लगाता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अन्य चीज़ें जो कॉलेज देता है, तो ODL सिस्टम का मतलब है कि आपका कंट्रोल तो रहेगा ही, आप ही का रहेगा कंट्रोल, तो छात्रों की संख्या जो कम नहीं होगी, इससे जो है आपके छात्र बढ़ेंगे। जस्ट संदीप जी ने जो कहा उसी रेफरेंस में मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन यदि सभी को हो जाए, एक है एफिलिएटेड कॉलेजेस, एक है ODL, एक है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, तीनों में डिफरेंस है, मेरे ख्याल से तीनों में थोड़ा सा और डिफरेंस क्लियर हो जाए तो उनकी बात का भी आम सबको। अफिलिएशन तो अभी यहाँ पे है नहीं, हमको लगता है कि जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि का अफिलिएशन तो नहीं है, अफिलिएशन तो कॉलेज होते हैं ना, बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटी में अफिलिएटेड कॉलेज का तो नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे मैं मध्य प्रदेश का ही मैं जिक्र करता हूँ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में मैं था, वहाँ पे जो है कई कोर्सेज काफ़ी जो 25-30 कोर्सेज रहे होंगे, और कैंपस ऑन कैंपस जो है टीचरों छात्रों की संख्या जो है वो 3,000 या 5,000 थी समथिंग जो है, और कॉलेजेस जो है उसके अंदर जो 7 जिले थे और 7 जिले में 350 कॉलेजेस थे अफिलेटेड कॉलेजेस,
और वहाँ पर सब लड़के मिला करीब जो 1.5 लाख के आसपास थे, तो ये 1.5 लाख बच्चों ये अफिलेटेड कॉलेज हो गए। लेकिन कंट्रोल जो है यूनिवर्सिटी का ही रहेगा, कंट्रोल यूनिवर्सिटी का ही रहेगा, एग्जामिनेशन करवाना और सब चीज़ें जो है, डिग्री देना, सर्टिफिकेट देना, सब जो है, तो करीब जो है ये अफिलेशन का है, जो करीब करीब जो है हमको लगता है कि कुछ है यूनिवर्सिटी छोड़ करके हर स्टेट, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश बिहार, अफिलेटेड यूनिवर्सिटी करीब करीब सभी हैं जो है, कुछ को ही छोड़ करके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे आज आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दिल्ली, इनके पास भी अफिलेटेड कॉलेज हैं, लेकिन एक दो हैं ऐसे हैं, जैसे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसके भी अफिलेटेड कॉलेज हैं कुछ जो है। सर मैं थोड़ा इसलिए जानना चाह रही थी, तो ये तो अफिलेटेड कॉलेज जी, मैं थोड़ा इसलिए जानना चाह रही थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि अफिलेटेड कॉलेजेस का सिस्टम धीरे धीरे खत्म करना है, और इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वहाँ डेडलाइन भी दी हुई है जहाँ एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो उनको अपने आप को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी लेवल पे लेवल 2 पर आना है। एक तो वो चीज़ है कि जो हाँ हमें एफिलिएटेड कॉलेजेस बंद करने हैं धीरे धीरे स्टेप वाइज मैनर में। दूसरा ये है कि जब हम ODL मोड की बात करते हैं, हमें किसी और कोई कॉलेज हमारे साथ कोई ओपन डिस्टेंस लर्निंग में हमारे साथ मान लिया योग में ही जुड़ जाता है, कॉलेज वो दूसरा है कहीं और है, वो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ता है जैसे बात हुई, तो वो कॉलेज की या उस कोर्स की एफिलिएशन है, क्योंकि कॉलेज तो किसी और यूनिवर्सिटी से है। यदि वो कॉलेज किसी और यूनिवर्सिटी से है, कॉलेज तो एफिलिएटेड रहेगा भी नहीं इन द ड्यू टू, जैसे भी वो यूनिवर्सिटी है, तो वो यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएटेड कोर्स हो गया, तो वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग में जो हम कोर्स कर रहे हैं दैट विल बी एफिलिएटेड कोर्स फॉर अवर यूनिवर्सिटी। कैन इट बी देयर, इज देयर ए पॉसिबिलिटी फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? तो यह है कि ठीक है जो है कि एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है, हालांकि हमने जो है देखा नहीं है, लेकिन सभी कॉलेजेज ऐसे किसी भी जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है, एक ज़िले में कम से कम जो है, जैसे मैं छोटा ही ज़िला किसी का ले बनारस ही ले लेता हूँ उत्तर प्रदेश में, पता नहीं यहाँ का हमको हरिद्वार में नहीं पता है, लेकिन बनारस हिंदू बनारस में कम से कम जो है 25 कॉलेजेज हैं, 25 कॉलेज नहीं अफिलेटेड किसी और से होंगे, काशी विद्यापीठ से होंगे, पूर्वांचल से होंगे, कहीं से होंगे, 25 उस ज़िले में हैं। लेकिन ये नहीं हमको समझ में आ रहा है कि अगर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 25ों का 25 यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देगी तो ये हमको बहुत जो है व्यवहारिक नहीं जो लगता जो है, हो तो सकता है वो कहे होंगे। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि दूसरा मैंने मैं कहा कि एक और चीज़ बताएं कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है वो ड्यूअल डिग्री की बात चल रही है। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आजकल बहुत चर्चा भी है, अभी भी आपने एक जानकारी भी दी है। सिंस आई एम हैंडलिंग द इंफॉर्मेशन क्वेरी फॉर BNYS एंड DNYT इन दिस यूनिवर्सिटी राइट नाउ, पीपल आर ऑलरेडी इंक्वायरिंग दैट कैन वी गेट एडमिशन इन टू BNYS ऑन कॉरेस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस एजुकेशन। और माई क्वेश्चन टू बी क्लियर इज, have they defined which are the courses to be done on distance education and which are to be done as a regular courses? Is it been defined or it is still under process? नहीं, अभी तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू होगी, या दूसरा ये भी हमने बताया कि ओपन जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको छोड़ करके जो हमारे कन्वेंशनल विश्वविद्यालय हैं उनके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये दिया हुआ है कि जिसका नए ग्रेड अच्छा हो, जिस विश्वविद्यालय का नए ग्रेड अच्छा हो, वह एक सब्जेक्ट में ओपन डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स जो चला सकते हैं, और उस कोर्स में जो उनका पॉपुलर कोर्स जिसको हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा था जैसे यूनिवर्सिटी पतंजलि का जो योग साइंस जो हमारा कोर्स है वो काफ़ी जो पॉपुलर है, जो है वर्ल्ड में जो पॉपुलर है, अगर नए ग्रेड इसका अच्छा आता है तो यूनिवर्सिटी अगर चाहती है तो योग साइंस में ODL सिस्टम खोल सकती है। सर क्या इसमें कॉमन सिलेबस की बात की जा रही है NEP में, कॉमन सिलेबस सेंट्रल लेवल पे? नहीं, कॉमन सिलेबस का नहीं है, लेकिन कुछ तो वेरिएशन होगा, लेकिन जो इक्विवेलेंस कमेटी जो होती है वो तो करेंगे ही। आप जो सब्जेक्ट उनका प्रोसेस आपका सेम होगा, जैसे हम बताया कि जो है
आपका क्रेडिट बैंक का है जो है और ट्रांसफर क्रेडिट का है, तो निश्चित है कि अगर कोई लड़का जो है सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ लिया जो 44 क्रेडिट उन्होंने किया, अब जा कर के अगर वो जो बिहार में जा कर के अगर डिप्लोमा अगला थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहता है, तो निश्चित है कि इक्विवेलेंस कोर्स होना चाहिए, वो जिस सब्जेक्ट में वो यहाँ है वही सब्जेक्ट उसका वहाँ है। तो 20% या 10% तो वेरिएशन होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो कोर्स तो सेम होना ही चाहिए। जो योगा साइंस का कोर्स यहाँ का है, योगा साइंस का किसी अन्य राज्य का कोर्स जो है, बहुत वेरिएशन नहीं होगा कि वहाँ योगा कहीं कुछ होगा, हमारे यहाँ योगा कुछ और होगा। या केमिस्ट्री फिजिक्स ले लीजिए जो है कोर्स हमारे कुछ और है, उनके कोर्स बिल्कुल एडवांस 19-20 तो रहता ही है। फिर इक्विवेलेंस कमेटी हमारी हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होती है, वो अपना चेक करते हैं कितना जो वेरिएशन इसमें है।